सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है और हम खड़े हैं भारत के सेंटर यानी नागपुर महाराष्ट्र उपराजधानी नागपुर में। अमरावती रोड वाड़ी दत्तावाड़ी राजनगर बात अगर हम करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की नगर सेविका यहाँ से है, लेकिन नागपुर जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की है, सुरक्षा नगर के अंतर्गत से भी है। और ये जो सबका साथ सबके विकास की बात की जाती है और ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये आने वाले बरसात को लेकर इसकी तैयारी चालू है। पानी बहे तो अंडरग्राउंड लाइन हो रहा है, लाइन बन रही है नाली वेस्टेज पानी का। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही पे जो मेरे कैमरामैन सहयोगी बता रहे हैं, ये पूरा 30 मार्च 2018 से ये वर्क स्टार्ट होता है और पिछले एक माह से ये काम लगभग बंद है। और देखा जाए कोई भी सुविधा एक अलग से नहीं है। घरों के गेटों के सामने की अगर मैं बात करूं, मासूम मासूम बच्चे रहते हैं, अंधेरी रात के अगर निकल जाए, गिर जाए, पड़ जाए और कुछ हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? इसी चीज़ को लेके आइए मैं बात करता हूं। बहुत से यहाँ राजनगर से यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहे, वैसे तो देखा जाए तो उन्होंने जो समस्या बताई लेबर की, अब लेबर की समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन अगर कोई भी हम काम करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार लेबर अरेंजमेंट करके सारा काम होता है। और दूसरी बात समय की देखनी चाहिए हमको कि भी समय क्या कहता है। अगर बारिश करीब है, कभी आ जाए, कुछ हो जाए तो काम तो होगा नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर उनको लेबर की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट कोई JCP लाए, इसको बुझा के कम से कम उसको कोई हादसा ना होने से बचाए तो भी हमको चलेगा। क्योंकि कई वर्षों से हम तो बगैर इसके तो चल ही रहे हैं, हमारे रोड का ही काम इतने वर्षों में हुआ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उतना ही कर दे ताकि कोई हादसे से हम लोग बचे। हमें डर उस बात का है, प्रगति तो हम देख रहे हैं कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ हो रही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन जैसा दूसरी तरफ आपने अभी कहा कि CEO से जब आपने बात किया तो उन्होंने कुछ अलग ही जवाब आपको दिया, क्या जवाब था? जवाब ये था कि मैंने उनको कहा कि भाई बारिश कभी भी आ जाएगी और कोई हादसा अगर हो जाता है तो जवाबदार आप रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं करता काम। तो ये तो अब दादागिरी वाली लैंग्वेज, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर अगर ऐसी बातें यूज़ करने लगे, ऐसा बोलने लगे तो एक आम नागरिक कहाँ जाएगा? एक बेचारा यहाँ का जो नागरिक है उसको तो कुछ भी नहीं समझता है, कहीं जाता ही नहीं है, उसको तो यही नहीं पता होता है कई बार कि मैं ये शिकायत लेके कहाँ जाओ, यहाँ से तो यहाँ की शुरुआत है। हेलो 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 जी, बोल रहे भगत सर? हाँ बोलिए। नमस्कार सर, मैं शिवराज सिंह राजकुमार बोल रहा हूँ, सुरक्षा नगर प्लॉट नंबर 11 से। हाँ बोलिए। ये 1 तारीख से कुछ काम चालू होने वाला था ये नाली का। हाँ। तो ये आज की 4 तारीख है, भी अभी तक कोई आया नहीं आपका ठेकेदार या कोई लेबर कुछ भी काम? आ जाएगा। क्या हो गया, बाकी उनके दूसरे भी काम चालू है कि नहीं, लेबर उधर है? नहीं, उनको थोड़ा सा एक चीज और आप भी थोड़ा सा अपने मतलब ध्यान में रख लो एक बात को कि बारिश कभी भी आ सकती है, जो वेदर कास्ट बुरा रहा है और इस एरिया में जाने के लिए। अभी तक का अनुभव मेरा ऐसा है, अभी चालू है मई। हाँ, मई पूरा जाएगा, जून पूरा जाएगा और जुलाई की 26 के बाद बारिश आती है। नहीं, हमारे यहाँ का नागपुर का मौसम ऐसा है, देखो हम नागपुर में रहते, हम कहीं नागपुर के बाहर नहीं रहते, बात हो जाएगा। अब इतनी चिंता करने की नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ छोटे बच्चे बहुत ज्यादा है, कल को कोई हादसा हुआ तो आपको जिम्मेदार पकड़ेंगे हमें, समझे ना?